गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर 17 ईद का नया चैप्टर है हमारा। ईद का पार्ट 1 आपको समझाएंगे। पेज नंबर 110 110 पेज नंबर पर देखिए, इंग्लिश फर्स्ट में ईद का। इसमें देखो नई कहानी है हमारी। देखो ए फुल 30 डेज आफ्टर रमजान कम्स ईद। इसमें ईद का वर्णन कर रहा है कवि। जो हमारा लेखक है, राइटर है, वो ईद का वर्णन करता है। ईद आ गई है और ईद पर मेला लगा हुआ है। ए फुल 30 डेज, एक पूरे 30 डेज 30 दिनों के बाद रमजान कम्स, रमजान आते हैं ईद, ईद को लेकर। इट वॉज ग्लोरियस मॉर्निंग। ये कैसे, अब यहाँ पर लेखक ग्लोरियस मॉर्निंग का प्रयोग कर रहा है, एक शानदार सुबह प्रातः काल। एंड द विलेज, और जो गांव, वॉज अलोंग विद एक्साइटमेंट, गांव में एक उत्तेजना है। पीपल वर गेटिंग रेडी, उस गांव के लोग तैयार हो रहे हैं। पीपल वर गेटिंग रेडी, इसका मतलब लोग तैयार हो रहे हैं टू गो, जाने के लिए, टू द ईदगाह, ईदगाह जाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। बट लेकिन द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल बॉय हामी, लेकिन एक छोटे, यहाँ पर लेखक एक छोटे बालक का वर्णन करता है, उसका नाम है बालक का हामी। बट लेकिन द हैप्पीएस्ट, सबसे प्रसन्न, ये हैप्पीएस्ट है, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया, प्रयोग कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट, एक होता है हैप्पी, हैप्पी मींस खुश, हैप्पियर अधिक खुश, और हैप्पीएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा खुश। द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल बॉय हामी, लेकिन हामी बालक बहुत ही प्रसन्न है। ए लिटिल बॉय ऑफ 4 और 5, लेखक यहाँ पर क्या कहता है, एक छोटा सा बालक 4 या 5 वर्ष का। अपने नाटक में, ईदगाह नाटक में, लेखक ने 4 या 5 वर्ष के बालक का वर्णन किया है। बालक वो 4 वर्ष का भी हो सकता है या 5 वर्ष का। उसका बालक का नाम है हामी। एंड ऑर्फन, बालक कैसा है, ऑर्फन है। ऑर्फन का मतलब अनाथ, जिसके माता पिता का देहांत हो गया, बालक को कैसा कहलाता है, ऑर्फन। ही लिव्ड, वह रहता था विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ वह रहता था। अमीना, दादी का नाम है अमीना। एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, उस बालक के मतलब हामिद के माता पिता मर चुके थे, सारा लालन पालन पोषण उसकी दादी जी करती थी, उनका नाम था अमीना। अमीना एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, वो अमीना की गोदी में सोता था। थिंकिंग, विचार करते हुए, डैड हिज फादर, उसके पिताजी, वुड कम बैक, उसके पिता आएंगे, विद बैग्स, थैला लेकर, फुल ऑफ मनी, उस थैला कैसा होगा, थैला रुपयों से भरा होगा। एंड हिज मदर वुड बी बैक, और उसकी माँ भी आएगी, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से उसकी माँ आएगी, विद ब्यूटीफुल गिफ्ट, और हामिद के लिए सुंदर सुंदर उपहार लाएगी। यह बच्चा विचार कर रहा है, जब वह अपनी दादी की गोदी में लेटा हुआ है तो मन ही मन वह विचार करता है कि मेरे अब्बू आएंगे, अब्बू आएंगे और मेरे लिए बहुत सारा पैसा, पैसों का थैला लाएंगे, और मेरी अम्मी आएंगी जो स्वर्ग से आएंगी, वो मेरे लिए सुंदर सुंदर उपहार लाएंगी। यह छोटा बालक हामिद अपनी दादी की गोदी में लेटा हुआ विचार करता है। हो आशा इज ए वंडरफुल थिंग, अब कवि क्या कहना चाहता है, एक कवि ने यहाँ पर लाइन लिखी है, प्रेमचंद की ये कविता है, बहुत ही अच्छी है, ईदगाह। तो कवि ने एक लाइन लिखी है, होप इज ए वंडरफुल थिंग, आशा एक अद्भुत वस्तु होती है। एंड डेट चाइल्ड्स को, जो कि एक बच्चे की आशा है, जो एक बच्चा अपने अंदर एक आशा रखता है, ये कवि ने एक लाइन दी है। पुअर अमीना, बिचारी गरीब अमीना, सैट इन हर होवेल, वो कहाँ बैठी हुई है अमीना, उसकी दादी होवेल में। होवेल होता क्या है, होवेल होता है एक स्मॉल हाउस होम, एक छोटा सा घर होता है, उसे हम होवेल कहते हैं। इसका मतलब
ए स्मॉल होम, एक छोटा सा घर, स्पेशली डेट इज डर्टी एंड इन बैड कंडीशन, ऐसा छोटा सा घर जो गंदा सा दिख रहा है और बैड कंडीशन और बुरी दशा में हो, उसे हम कहते हैं हॉवेल। यहाँ पर प्रेमचंद ने ये वर्ड का यूज किया है हॉवेल का, इसका मतलब जो अमीना है वह गरीब है, एक छोटे से मकान में रह रही है, जो मकान बहुत ही गंदा है और बैड कंडीशन में दिख रहा है, उसका वर्णन लेखक कर रहा है हॉवेल का। पुअर अमीना, गरीब अमीना सैट इन हर हॉवेल, अपने हॉवेल में बैठी हुई है, एक छोटे घर में बैठी है, एंड क्राई और चिल्ला रही है या चिल्लाती है, क्या चिल्लाती है, इट वॉज ईद, इट वॉज ईद, आज ईद है, एंड शी डिड नॉट हैव ए ग्रेन ऑफ फूड, और हमारे घर के अंदर हमारे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है, यह अमीना चिल्लाती है, इन द हाउस, घर के अंदर कोई भी अनाज नहीं है जिससे कि मैं भोजन बना सकूं। सी वॉज फिल्ड विथ ग्लूम, यह कहकर वह दुखी हो जाती है, एंड डिस्पेयर, निराशा से भर जाती है, व्हेन हामी एंटर, जब हामी अपने घर में प्रवेश करता है, एंटर द हट, एक छोटी सी झोपड़ी में, एंड सेड, और वह कहता है, क्या कहता है अपनी दादी से, यू मस्ट नॉट वरी, दादी जी आप चिंता मत कीजिए, अम्मा, वो अम्मा संबोधित करता है, यू मस्ट वरी अम्मा, अम्मा चिंतित क्यों होती हो, आई शैल बी बेड बिफोर एनीवन एल्स, आई शैल बी बेड बिफोर, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। अमीना फेल ए टाइटिंग अराउंड हर हार्ट, अमीना यह सब सुनकर, उसकी दादी यह सब सुनकर उस बालक को अपने गले से लगा लेती हैं, अपने हृदय से लगा लेती हैं। अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर्स, दूसरे बच्चे अपने अब्बू के साथ मेला जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं, बट लेकिन हामिद है नो वन, लेकिन हामिद के पास ना अब्बू है ना अम्मी है, नो वन टू अकम्पनी हिम, किसी की किसी का साथ भी नहीं है, ही है नो शूज, हामिद के पास ना जूते हैं, एंड हैड टू वॉक 3 miles, जो मेला लगा है ईदगाह पर 3 मील की दूरी पर लगा हुआ है, अब हामिद कैसे जाएगा, हामिद के पास पैरों में पहनने के लिए कोई भी जूता नहीं है, ही हैड गॉट ब्लिस्टर्स, ही हैड गॉट ब्लिस्टर, अगर वो है बिना जूते के जाएगा तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले पड़ जाना, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब एन एरिया ऑफ स्किन, ब्लिस्टर वह चीज होती है हमारी त्वचा की एक क्षेत्र होता है, हमारा एक एरिया होता है कवर्ड बाई ए रेज, जब छाला पड़ जाता है तो वह ऊपर उठ जाता है, फ्लूडेड विथ बबल, एक गोल जैसा बन जाता है, हल्का जैसा पड़ जाता है, उसे हम छाला कहते हैं, तो वो कहता है ही हैड गॉट ब्लिस्टर्स, मेरे पैरों में छाला पड़ जाएगा जब मैं बिना जूतों के साथ 3 मील की दूरी पर ईदगाह पर मेला लगा है तो मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, दादी जी देयर वर ओनली 8 paise, हामिद क्या कहता है, दादी मेरे पास तो केवल 8 paise हैं, 8 paise हैं इन द हाउस, घर में 8 paise हैं, 3 in Hami's pocket, 3 paise हामिद की जेब में, एंड 5 in Amina's pouch, जो 5 paise जो है वो अमीना के थैले में डले हुए हैं। द विलेजर्स स्टार्टेड गोइंग, ग्रामीण लोगों ने शुरू कर दिया है गोइंग जाना फॉर द फेयर, मेला लग चुका है ईदगाह पर, सभी लोग प्रसन्न है, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, सभी लोग अपने बच्चों के साथ ईदगाह पर मेला देखने जा रहे हैं। हामिद वॉज वॉकिंग अलोंग विद द अदर चिल्ड्रन, अब हामिद भी जाना चाहता है, हामिद वॉज वॉकिंग, हामिद चल रहा है, अलोंग विद द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ भी जा रहा है, व्हाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, लेकिन बच्चे जो बच्चे उसके साथ जा रहे हैं वो तो जूते पहने हुए हैं, तेजी से भाग रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जो हामिद
हामिद है वो धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि हामिद के पास पैरों में जूते नहीं है। वॉट एवर कॉट देयर आईज दे हैड स्टैंड एंड गेज एट इट इन वॉन्डर। वॉट एवर कॉट देयर आईज, अब लेखक क्या कहना चाहता है कि दे हैड स्टैंड एंड गेज इन द वॉन्डर, बड़ी गहराई से वो हामिद देखता है बच्चों को कि बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, वो ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। हामिद महसूस करता है he had wings on his feet, हामिद विचार करता है यदि मेरे पैरों में पंख लग जाए, यदि मेरे पैरों में पंख लग जाए। सडनली दे कुड सी द ईदगाह, और जल्दी ही वह ईदगाह देख लेगा। देयर वर रोज अपॉन रोज ऑफ वर्शिपर एज फार एज आईज कुड सी, हामिद क्या विचार करता है, देयर वर रोज बहुत सारी पंक्तियां हैं वर्शिपर पूजा करने के लिए, एज फार एज आईज सी कुड, जब हामिद विचार करता है यदि मेरे पैरों में पंख लग जाए तो मैं उड़कर सब चीजों को देख लूंगा। स्पिलिंग बेड बियॉन्ड द मॉस्क्यू कोर्टयार्ड, जो हमारी मस्जिद है वो कोर्टयार्ड है वो भी मैं देख सकूंगा। हियर नाइदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर्स, यहाँ पर ना तो कोई पैसों की जरूरत होगी ना कोई स्टेटस मैटर्स होगा। बिकॉज क्योंकि इन द आईज ऑफ इस्लाम, क्योंकि जो इस्लाम की आंखें हैं ऑल मेन आर इक्वल, इस्लाम में ये लिखा है कि सभी मानव सभी मनुष्य कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट वन, हमने यहाँ पर आपको स्टोरी बताई पार्ट वन की, यहाँ फिनिश कर दी ईद का।